हेयर स्प्रेज वन ऑफ द बेस्ट हेयर प्रोडक्ट होता है टू गेट द डिजायर्ड लुक टू स्टाइल योर हेयर थ्रू आउट द डे, बट यार स्टिल वन ऑफ द लीस्ट डिस्कस्ड टॉपिक होता है हमारा हेयर स्टाइलिंग की जब बात आती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार कहीं डैमेज ना कर दे बाल हमारे। क्या सच में डैमेज करता है हेयर स्प्रे? पूरी वीडियो देखना, पता चल जाएगा इसका भी। बट गाइस सीरियसली, इफ आप अपने बालों को लेके थोड़ा है कि यार मेरे को थ्रू आउट द डे मेरा होल्ड चाहिए और मेरे बाल मेंटेन रहे, तो हेयर स्प्रे से बेस्ट कुछ नहीं होगा। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस, आई एम यश शर्मा फ्रॉम रोड टू एज, एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू हाउ टू स्टाइल योर हेयर विद हेयर स्प्रे एंड हाउ टू डू इट करेक्टली। सो चलिए चलते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइज, हेयर स्प्रेज आर फिनिशिंग प्रोडक्ट। ये हमेशा बाल सेट करने के बाद ही यूज करते हैं, मतलब जब आपने हेयर ड्राई से बाल स्टाइल कर लिए, हेयर प्रोडक्ट लगा लिया, सब प्रॉपर स्टाइल्ड हो गए, उसके बाद ही आप हेयर स्प्रे यूज करते हो हमेशा एंड में, पहले नहीं यूज करते, पूरा खराब कर देता आपका। सेकंड चीज गाइज, जो भी मोस्टली पिकी होते हैं अपने हेयर स्टाइल को लेके कि यार थ्रू आउट द डे हमारा स्टाइल जैसा हम घर से निकले थे वैसा ही रहे, जिनको थोड़ा होता है कि यार हमारे बाल वैसे के वैसे हमारा स्टाइल सब कुछ सेम रहे, तो गाइज उनके लिए हेयर स्प्रे होता है। लाइक मी, जब भी मैं अपने बाल हेयर स्टाइल करता हूं हमेशा यूज करता हूं। थर्ड टिप गाइज, हेयर स्प्रे जो भी होते हैं आपको ध्यान रखना है कि इनमें होल्ड आता है, जैसे कि यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है अल्ट्रा होल्ड है ये वाला, तो इनमें एज पर योर हेयर टाइप आपको हेयर स्प्रे पैक करना है। इफ आपके बाल ऐसे हैं जो कि नॉर्मल हेयर प्रोडक्ट से और हेयर ड्रायर से स्टाइल हो जाते हैं, तो आप सिर्फ नॉर्मल होल्ड पे जा सकते हैं या लो होल्ड पे जा सकते हैं। बट अगर आपके बाल सिल्की स्ट्रेट हेयर है लाइक मी, तो अल्ट्रा होल्ड आपको यूज करना चाहिए। अब गाइज सीधा आ जाते हैं हाउ टू यूज अ हेयर स्प्रे। बिल्कुल सेफ एकदम बेस्ट मेथड बताऊंगा जिससे आपका हेयर स्प्रे लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा, उसके बाद जो आपके बालों पे होल्ड होगा वो भी बहुत टाइम तक रहेगा और पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे, मतलब कि ज्यादा टाइम तक चलेगा। तो गाइस सबसे पहले आप हेयर स्प्रे यूज करते हैं, आपको हमेशा 10-12 इंचेस का गैप यूज करना है, क्योंकि जितना दूर होगा उतना इसकी नोजल ऐसे देखिए अपना सेपरेट होगी दूर तक और आपके बालों पे ज्यादा एप्लीकेबल होगा, और जितना पास से मारेंगे उतना रूट्स में भी जाएगा और डैमेज भी करेगा। तो आपको जितना दूर हो सके 10-12 इंचेस का मिनिमम गैप लेना है, रूट्स में नहीं जाएगा, डैमेज नहीं करेगा आपके बाल और ज्यादा एप्लीकेबल भी होगा एज कंपेरेटिवली टू पास से मारेंगे बेकार हो जाएगा। सेकंड चीज गाइज, आपको ध्यान रखिए जब भी आप हेयर स्प्रे स्टार्ट करते हैं अपना, हमेशा हाथ यहां पर रखिए ताकि आपके फेस पे ना जाए वो, और होता है कईयों को थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती है, तो थोड़े टाइम के लिए आप अपनी सांस भी रोक सकते हैं कि गले में ना लगे, कईयों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जीज होती है, तो सांस रोक लीजिएगा, हाथ रखना है आपको, देन आपको हेयर स्प्रे स्टार्ट करना है। थर्ड टिप गाइज, जब भी आप हेयर स्प्रे करते हैं स्टार्ट यूजिंग स्मॉल स्प्रेज फर्स्ट। अब स्मॉल स्प्रे मैंने क्यों कहा, क्योंकि गाइस कईयों का साथ होता है, जैसे मेरे बहुत सिल्की स्ट्रेट हेयर है, मैं हेयर स्टाइल भी कर लेता हूँ, हेयर प्रोडक्ट भी यूज कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे बाल इधर उधर थोड़ा भागते रहते हैं, बहुतों के साथ होता होगा। तो आपको क्या करना है, छोटा हेयर एकदम स्प्रे लेना है आपको अपना हेयर स्प्रे, उसे छोटे छोटे अपने ऐसे ऐसे पंप करना है अपने हेयर स्प्रे पूरे बालों पे, ताकि जहां से आपके बाल स्टाइल्ड नहीं हो पा रहे ढंग से हेयर प्रोडक्ट के बाद भी, तो वहां पर ऐसे आप सेट कर सके अपने बाल, ऐसे हाथ लगा के वो अपनी जगह पे आ जाएंगे, देन हमारे को क्या करना है पूरा एकदम रश कर देना अपना हेयर स्प्रे। अब गाइज फोर्थ टिप, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, क्या क्या कि यार एकदम जब रश की बात आती है ना पूरी आधी बॉटल ही खाली कर देते हैं, चाहे कितना भी हेयर स्प्रे लगा देते हैं अपने बाल में, और गाइज वो बहुत डैमेज करता है आपके बालों को। आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कम से स्टार्ट करिए, क्योंकि गाइज आपका अगर एक बार इतना ज्यादा लगा लिया आपने और आपके बाल एकदम रॉक हार्ड हो गए, तो उनको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। शैम्पू से भी बहुत बार ऐसा होता है कि टू वॉश के बाद भी शैम्पू दो बार यूज करने के बाद भी नहीं निकलता लोगों से, तो आपको कम यूज करना है स्टार्टिंग में। अगर आपको नीड लग रही है देन आप दोबारा कर लीजिए, एकदम आपको लगाते ही नहीं रहना, हमेशा ध्यान रखना डैमेज भी करेगा आपके बालों को। उसके बाद गाइज निकलेगा भी बहुत लेट, शैम्पू जितना भी आप ट्राई करेंगे बहुत मुश्किल से निकलता है, देन गाइज लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होगा आपका, ये खाली भी हो जाएगा बहुत जल्दी, तो बहुत ज्यादा पागल बनती होती है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट जो ए स्टेप है इस चीज में, आपको अगर अपना बालों को और ज्यादा अलग लेवल पे लेके जाना, जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, कि गाइज एक आपको पेयर ब्रश लेना है, और गाइज जो हमारे फ्लाईवेज होते हैं, मतलब हमारे बालों के जो नॉर्मली खड़ा होता है कहीं ना कहीं, जैसे मेरे साइड से बाल छोटे हैं खड़े होते हैं बहुत बार, चाहे मैं कितना भी इस पर ड्रायर मार लूँ कुछ भी कर लूँ, पानी भी यूज करने के बाद भी दे जस्ट गेट अपने आप एकदम ऑकवर्ड स्टेज पे आ जाते हैं, तो हमें क्या करना है, और ये मैंने टिप गाइज ब्लूमान से सीखी थी, ही इज बेस्ट लेजेंड है गाइज, बालों का ट्रेंड हमारे यूट्यूब पे लाए ही हुई था,
तो गाइज आपको क्या करना है, हमेशा एक नॉर्मल ब्रश लेना है जो आपके यूज का नहीं है, उसको गाइज आपने हेयर स्प्रे को अपना मारना है। उसके बाद गाइज क्या करना है, जहां से आपके फ्लाईवेज है यहां पर ऐसे यूज कर लीजिए आपके बाल, जो हेयर स्ट्रैंड आपके खड़े हुए हैं उससे गाइज क्या होगा, वो बैठ जाएंगे, आपका जो हेयर स्टाइल है शार्प लगेगा, एकदम स्टाइल लगेगा और हेयर स्प्रे दिखेगा भी कि यार बालों में लगा हुआ है, ऊपर ऊपर लगा, साइड से बाल अगर आपके खड़े हो तो फायदा नहीं होता उस चीज का। तो हम हेयर ब्रश यूज करेंगे फॉर बेस्ट एप्लीकेशन, लॉन्ग लास्ट एप्लीकेशन और एकदम क्रिस्प लुक के लिए। सो गाइज अब हम आ जाते हैं हमारे प्रिकॉशंस पे जो कि आपको लेने चाहिए वाइल अप्लाइंग अ हेयर स्प्रे। सो फर्स्ट स्टेप गाइज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप हेयर स्प्रे यूज करते हैं आपको हमेशा 10 टू 12 इंच के गैप में करना है, एकदम आपको नहीं करना, जितना पासिंग होता है रूट्स पे फोकस होगा और बाल डैमेज कर सकता है। सेकेंड टिप गाइज आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको हाथ रखना है, देन गाइज आपको एक जगह फोकस नहीं करना, हमेशा थ्रू आउट द हेयर रोटेट करना है उसको, एक जगह फोकस करेंगे तो गाइज एकदम बाल रॉक हार्ड हो जाएंगे फर्स्ट, तो उसके बाद एक जगह फोकस होगा तो रूट्स पे जाएगा और रूट्स पे जाएगा तो गाइज डैमेज भी करेगा और एप्लीकेशन भी कम होगी, क्योंकि आप एक जगह फोकस रखेंगे तो साइड से खड़े नहीं होंगे, कहीं इस साइड से नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। हमेशा जब भी अप्लाई करें यहाँ पर एक जगह करा, उसके बाद देन रोटेट करना है आपको। थर्ड चीज गाइज जो बहुत लोग एकदम मिथ है जिन लोगों के दिमाग में कि हमें जब भी हमने हेयर स्प्रे अप्लाई करा हमेशा वॉश करना है, ऐसा नहीं होता। एवरी सेकेंड डे आपको अपने बाल धोने हैं विद शैम्पू, पानी से आपको हर रोज धोने हैं बट विद शैम्पू आपको हमेशा एवरी सेकेंड डे उनको वॉश करना है, उससे पहले नहीं करना। एक दिन का मिनिमम ब्रेक ले सकते हैं, बाल खराब नहीं होते, बस आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम क्वांटिटी में यूज करना है। जैसा मैंने ऊपर टिप्स बताई कि आपको गैप लेना है, हाथ रखना है और मिनिमम क्वांटिटी में यूज करना है, रूट्स में नहीं जाना, रोटेट करते रहना है, देन आप गाइस एक दिन का प्रॉपर गैप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाल भी डैमेज नहीं होंगे आपके। एंड गाइस फोर्थ टिप जो नॉर्मली आपको करनी चाहिए इफ यू आर यूजिंग मोर हेयर प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द वीक, मतलब पूरे हफ्ते में रेगुलरली बेसिस पे जैसे मैं यूज करता हूं तो क्या होता है, मोस्टली मैं हफ्ते में 7 दिन में से 4 या 5 दिन अपने हेयर प्रोडक्ट्स यूज करता हूं, तो मैं बाकी के रेस्ट 2 डेज में गाइस ऑयलिंग करता हूं, सो आपको ऑयलिंग भी करनी है। अगर आपको हेयर केयर के ऊपर सारी वीडियोस से मैं नीचे प्लेलिस्ट में दे दूंगा आपको, वहां पर आप जाके दे सकते हैं और ऊपर आपको आई बटन में भी दे दूंगा, वहां पर मैंने बता रखा है कैसे आपको हेयर स्टाइल करने चाहिए और कैसे आपके बाल थ्रू आउट द डे खड़े रहेंगे। सो कैसी लगी वीडियो गाइस बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, इफ यू नीड एनी हेल्प डू कमेंट, विल ऑलवेज रिस्पॉन्स। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।